पाकिस्तानी क्रिकेट की दुनिया में बाबर आजम का नाम जो कि सब लोग जानते हैं, सुनने में आ रहा है कि उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया है और नए कप्तान का नाम भी तजवीज कर लिया गया है। नया कप्तान सुनने में आ रहा है शाहिद खान अफरीदी का दिमाग शाहीन अफरीदी को लाया जा रहा है। पाकिस्तानी टीम का हाल भी सियासत की तरह है, यहाँ पर हर कोई चाहता है मैं कप्तान बनूं, मैं वजीर आजम बनूं। आजम ने कप्तानी तो छोड़ दी है, पता नहीं ये इन्होंने खुद छोड़ी है या किसी साजिश के तहत इनसे कप्तानी छुड़वाई गई है। पाकिस्तानी टीम का हाल भी सियासत की तरह है, इसे कुछ पता नहीं होता, वो भी टीम के अंदर होता है। पाकिस्तानी टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल निल हैं, उनको पता भी नहीं है कि कैसे खेलना है, फिर भी वो टीम के अंदर होते हैं। लोग पर्ची पर इस सिफारिश के जरिए टीम के अंदर आए होते हैं, जैसे सियासत में लोग अपने बच्चों को आगे लेकर आते हैं, ऐसे ही टीम में कोई अपना दामाद लेकर आना चाहता है, कोई अपना भतीजा, कोई अपना बेटा, ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन बाबर भाई को कप्तानी से हटाने का काफी दुख हुआ है। वैसे हमारी सियासत का कोई हाल नहीं, वैसे ही हमारी टीम का भी कोई हाल नहीं, आज तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता। वो इमरान खान के दौर का जो वर्ल्ड कप जीता हुआ है उसके बाद पाकिस्तानी टीम में ऐसा कोई कप्तान आया ही नहीं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता हो। अगर जीतने का कोई चांस भी हो तो जीते जीते रह जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।